इसी तो मौन रखाया जाता है, उपवास रखाए जाते हैं कि शरीर को सदे हम मौन का क्या होता है थोड़ा समझाओ। मौन से टोटल शून्यता आ जाती है। जहां जरूरी हो बोलना चाहिए, लेकिन नहीं बोलना भी पड़ रहा तो एटलीस्ट बोलो सुबह 2 घंटे मैं शांत रहूंगी। अगर हम पूरा दिन नहीं कर सकते, जैसे हमारा टाइम 3 to 5 होता है, फिर उसके बाद हम इन सबको देने में, इतना तो टाइम पहले अपने को देना। अभी कल भी रात को जैसे मैं लेट भी पहुंची हूँ तो भी सुबह नींद तो खुल ही जाएगी, 2 घंटे सोई तो भी अभ्यास हो गया है। फिर उसके बाद अगर नींद आ जाती है तो बॉडी को चार्ज चाहिए, जब बॉडी फ्रेश होगी उठ जाओगे आप। तो मौन में 2 घंटे शांत कनेक्टेड विद द परमात्मा, फिर बीच में गैप कर लो थोड़ी देर के बाद, फिर शांत हो जाओ, आपकी एनर्जी जो है वो कनेक्ट हो रही है आपके साथ, और फिर देखो उसके साथ कितना मजा है। मौन रहने से हम कितने लोगों को बुरे शब्द बोलने से बच गए। शब्दों के ऊपर कितना कंट्रोल होना चाहिए, ये शब्द ऐसे ही जाते जा रहे हैं, ध्वनि ऊपर जा रही है यूनिवर्स में, और यूनिवर्स तुम्हारा नियत नहीं देख रही है, वो तुम्हारी ध्वनि को देख रहा है और वो उसके मुताबिक रिजल्ट मिल रहे हैं। तो सारी सृष्टि मौन में है, सूरज मौन में काम कर रहा है, चंद्रमा मौन में कर रहा है, सब मौन में, वृक्ष खड़े हैं सदियों से वो मौन में है, दुनिया बकबक करती जा रही है। इसके साथ में हमारे को मुद्राएं बताई गई हैं बहुत सारी, इस यूनिवर्स ने हमारे लिए बहुत हेल्प करी है, जिसमें एक आती है शांभवी मुद्रा। एक एक संत ये बता रहा है सबको, बिकॉज इससे क्या है, मैं बताती हूँ कैसे करना है, लेकिन इससे तुम्हारा सीधा आत्मा से कनेक्शन हो जाता है, सब कॉन्शियस माइंड से कनेक्शन होगा, तो तुम क्या हो, नीचे के केंद्रों में रहोगे ही नहीं। इसका अभ्यास किया जाता है 21 मिनट मैक्सिमम, मिनिमम 5 मिनट्स। शुरू में पानी भी बहेगा, सब होगा, उसमें सीधे तुमने, अपने कभी बाबा महावतार की फोटो देखना, उनके गुरु ने खाली बोला तू इसमें बैठेगा 12 साल, और वो बैठे। इमेजिन, मैं देख के जब देखा ना तो मैं सोचा मैं करूँगी, लेकिन पॉसिबल नहीं है। फिर भी 5-5 मिनट शुरू करा, करते करते देखना आपने इधर से है, पहले आंखें बंद है आपकी, आप इधर से चल रहे हो, थर्ड आई से इधर चलते 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 अंदर से ही धीरे जाके आपने इसको देखना है। देखो ऐसी आंखें, आंखें बंद है, नहीं मैं इधर देख रही हूँ, आंखें कहाँ बंद है मेरी। अच्छा आंखें खुली रहेगी, आंखें खुली हैं, बंद थी जब मैं इधर से जा रही थी, इधर जाते जाते धीरे मेरी आंखें, इधर मैं ब्रह्म पोर्शन को देख रही हूँ अभी, विच इज कनेक्टेड विद द सबकॉन्शियस माइंड, ऊपर के उसमें जा रही हूँ ऐसे करके, और इधर आप योग मुद्रा इस मुद्रा में बैठ जाइए। देखो मेरी आंखें झपक नहीं रही क्योंकि अभ्यास करा है मैंने, नहीं तो आंखें झपकेंगी, पानी निकलेगा, कोई बात नहीं, बंद कर लो, फिर 5 मिनट के बाद दोबारा शुरू कर लो। अंदर से खिचड़ी भी कर दो तो सोने पे सुहागा, तो उस समय आप टोटल इस दुनिया से कट ऑफ होके अलग उस दुनिया में चले गए, वहाँ के सारे और सारे देवता हमें देख रहे होते हैं, बरसात करते हैं भाई उसकी दुआओं की हमें। इस समय आपने खिचड़ी मुद्रा अंदर से और इधर से कर लिया, उसके बाद आप अपने में देखोगे, अध्यात्म में भी और संसार में चलने में भी आप में स्थिरता कितनी आएगी। एक कंट्रोल ऑफ, ये आंखें सारा टाइम आप इधर उधर देख रहे हो, एक कंट्रोल हो गया इनका, इधर से जीप कंट्रोल में आ गई, इधर से ये कंट्रोल में आ गई। इतना इसका मैं फायदे कितने बताऊं कितने हैं, बाकी सब ये शरीर का नीचे का खेल है, दिस यू आर फ्लाइंग हाई, प्लेन ऊपर जा रहा है अभी। तो ये भी अगर करें 5 मिनट से शुरू करो, मैक्सिमम बोला ज्यादा कर भी नहीं सकते आप, साल भी लग जाए 6 महीना लग जाए आपको 21 मिनट तक करने के लिए भी, अगर अभ्यास डिपेंड करता है कैसे हो तो इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। तो अगर मैं लाइफस्टाइल की बात करके चलूं तो ऐसे कुछ लाइफ लेसंस जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहोगे ओवरऑल कि जिंदगी में क्या नहीं करा जाए, जैसे आपने बताया भी बहुत सारी चीज़ें बताई कि लोगों के बारे में बुराई नहीं करनी, ये नहीं करनी, बट ओवरऑल लाइफ का जो मतलब है उसको समझने के लिए या उस... बस तो ये है कि एक दिन मैं जाना है मुझे प्लान, ना आपने रहना है ना मैंने रहना है इस प्लेनेट पे, तो जब तक हम हैं तो हम क्यों ना ऐसा जीवन जिए जिससे लोक भी सुधरे और परलोक भी सुधरे। परमात्मा हमें बाहें फैलाए खड़ा हो जब हम धरती से आए कि कौन धरती से महारथी आया है, इस तरह का हमारा जीवन, उसमें रहनी आगे सारी सात्विक खाना। अभी हमने जो करा है होटलों के खाने, जो जब तक नहीं पता था पार्टियां हो रही हैं सब हो रहा है, हमने, मैंने तो शादी ब्याहों में भी अपनी खिचड़ी बनाई होगी वो खाने नहीं खाए हैं, अगर गई थी पहले से, फिर तो वो भी बंद हो गया। किसी के हाथ का मैंने ऐसे जो पेड़ा बनाते हो ना आप, यही तो लाइने हैं, स्वभाव सारे इधर होते हैं, तो वो भी नहीं खाना होता है। लेकिन लोगों को मैं ये बोलना चाहूँगी, मदर्स को, तुम ओम कर करके चपाती जब बनाते हो ओम लिख दो,
बच्चों को दूध देते हो, ओम डाल दो, गंगा जल थोड़ा थोड़ा शुरू करो, घर में छिड़कना भी और देना भी। बुद्धि शुद्ध करनी है, औरत के ऊपर डिपेंड करता है। किचन में औरत है, किचन में मंत्रास लगाए रखो, वो आपके एक एक दाना चावल का, दालों का, वो पूरा पवित्र हो गया है, मटके का पानी पवित्र हो गया है। तो औरतें अगर ये करना शुरू करें तो बताओ किचन में अन्नपूर्णा का वास कैसे होगा, घर के लोगों की बुद्धि कितनी शुद्ध होगी। और कौन सा मंत्र होना चाहिए, कोई भी? ऐसा नहीं है, शरीर के लिए जो मंत्र है वो माँ मृत्युंजय का इतना बड़ा है कि आज की दुनिया नहीं कर सकते हर कोई, मैं करती हूँ। वो बड़ा संजीवनी मंत्र जो है, शॉर्ट मंत्र दिया है, ओम जूसा, ये माँ मृत्युंजय का शॉर्ट मंत्र, ओम जूसा ओम जूसा ओम जूसा, तो शरीर की कितनी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती है। गायत्री मंत्र है, ओवरऑल बुद्धि भी बढ़ती है, जो कितनी, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सत् वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, कहाँ तक जाता है उसमें, पूरे जितने लोक है ना हमारे, भूलोक है, ये लोक है, सारे लोकों का बीच में आ जाता है। और इसके तो जो फायदे है इसके बियॉन्ड है, लोगों ने बताए, ये हो गया। और कोई नहीं तो जैसे अगर माँ का, दुर्गा का है, तो ओम दुम दुर्गाय नमः शॉर्टेस्ट मंत्र, एक डेली रूटीन होनी जरूरी है। दूसरा लेडी ऑफ द हाउस और होटलों का जहाँ तक हो सके अवॉइड करना चाहिए, जो है वो खाना कौन ला रहे हैं, पैसा चाहिए उनको, तो पीछे वो है, घर में जो खान है उसमें वो कमाई थोड़ी, उसमें तो वो लोग बुद्धि शुद्ध करने में वाइब्रेशंस है, उधर वो वाइब्रेशंस नहीं है। तो बाय चांस खाना पड़े तो अपने दोनों हाथों से थाली प्लेट जो भी जहाँ बैठे हो उसको ऐसे अपनी भाई ब्रह्म ब्रह्म करके, ये प्रसाद है उसमें आपने अपनी भावना डाल दी और खाई। अभी इस जमाने में कैसे रहोगे कि बाहर का नहीं खाना उधर नहीं खाना, टाइम बदल चुके हैं। पहले संत लोग खाली गुरु नानक वगैरह पैदल पैदल चलते थे, अभी मस्तिष्कारी भी है संतों के पास, क्या करोगे, बातें करोगे उनकी, क्यों नहीं चले, कैसे टाइम होगा, उनकी तो बचाना है ना, वो कहाँ पैदल चलेंगे अभी। तो टाइम के मुताबिक अध्यात्म भी बदलता है कि नहीं, कैसे करेंगे, रास्ते में मुझे खाना पड़े तो मेरे पास ये है कि मैंने ब्रह्म से कवच बना के उसको खा लिया, जिसके जो हाथ लगे थे ना उनको मैंने हटा दिया, पानी का गिलास आता है, ये परमाणु आते हैं, ये भी बचा दिया मैंने, तो इससे वो शुद्धता बढ़ेगी और क्या होगा। ऑलवेज कीप ए लेडी ऑफ द हाउस कीप ए स्माइल ऑन द फेस, अपने को 2 घंटे दे दे जिम जाके या योगा करके, फिर तुम परिवार तुम्हारे पे डिपेंड है। अगला आएगा निष्काम, जिसमें सेल्फलेस है, जैसे मेरे मैं गिलास पानी भी दे रही हूँ, मुझे मतलब नहीं है कुछ किसी को, किससे मुझे क्या मिलेगा। तो निष्काम सेवा के जो फल है उसमें कृष्ण भगवान भी बोलते हैं कि निष्कामी के पीछे मैं भागता आता हूँ। जो इस धरती पे कितने लोग होंगे जो बिना मतलब के वो चल रहे हैं, हर कोई चाहता है कि मेरे को कुछ मिले इससे, दोस्ती करके इसको कुछ दे के। तो निष्काम कर्म से जो आज हमें फायदे मिले हैं कि हमें, मैं काउंटलेस है ये, कि कैसे कैसे जीवन सुधरता भी चला गया और दुआएं इकट्ठी करी निष्काम से, और जहां मतलब हुआ वहां मैंने राजी करा सबको और कुछ नहीं करा।